डियर स्टूडेंट, हमने कल एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था, एनिमल के मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन, और आज हम एनिमल हाउसिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। एनिमल हाउसिंग एक मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण भाग है। पशुओं को हाउसिंग एडवर्स क्लाइमेट और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से सुरक्षा एवं ब्रीडिंग और फीडिंग में सहयोग देता है। इस प्रकार एनिमल हाउसिंग मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण भाग है, जिससे कि फार्मर अपने डेयरी उत्पादन को और ज़्यादा लाभकारी बना सकता है। हमारे देश में देखा गया कि फार्मर एनिमल हाउसिंग वैज्ञानिक तरीके से नहीं करता। वह क्या करता है, गाँव में वो घर पर एक तरफ रोड शेड बना देता है, घर का जो एक कोना होता है जो बेकार का होता है उस पर शेड बना देता है, और उसमें हर्ड साइज उसकी इस्तेमाल होती है। ड्यू टू पुअर इकोनॉमी उसके पास इतना पैसा नहीं होता है और वह इन सब बातों का ध्यान नहीं रखता। स्वच्छ हवा, एयर, वाटर, लाइट का प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखता, और प्रति एनिमल जिससे देखा जाता है कि प्रोडक्शन में कमी आती है। अतः आइडियल हाउसिंग पशुओं का रखना आवश्यक है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ हाउसिंग, हम हाउसिंग क्यों करते हैं? एक तो जिससे कि पशु आराम से रहे। एनिमल हाउस प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स क्लाइमेट, साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल एंड थ्रेट से प्रोटेक्शन, जो जंगली जानवर है और जो चोर उचक्के हैं उनसे भी एनिमल हाउसिंग अच्छा हो तो प्रोटेक्शन किया जा सकता है। जो उसके फार्म पर रिसोर्सेज हैं उनका सही उपयोग, जैसे जो लेबर है उसका साल भर कैसे उपयोग किया जाए, और जैसे साल भर किसान प्रोडक्शन ले सके, इसलिए आइडियल एनिमल हाउसिंग का होना आवश्यक है। क्वालिटी ऑफ मिल्क ऑब्टेन, जो दूध की क्वालिटी है वो हाउसिंग अच्छा हो नो डाउट अच्छी होगी। डिजीज कंट्रोल प्रपोजल और इम्प्रूव ब्रीडिंग इफिशेंसी एंड प्रोडक्टिविटी, उसकी पशुओं की प्रजनन क्षमता और उत्पादकता दोनों एनिमल हाउसिंग यदि अच्छा हो तो निश्चित रूप से इन्हांस होगी, बढ़ेगी। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि आइडियल एनिमल हाउस के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं। पहला, सिलेक्शन ऑफ साइट। जो एनिमल हाउस के लिए आपने साइट सेलेक्ट किया वो फर्टाइल होना चाहिए, जिससे कि उसमें प्लांटेशन किया जा सके। आवागमन के साधन, ट्रांसपोर्ट मीन्स की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और कल कारखानों से दूर होना चाहिए, और डेयरी जो यूनिट है उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और पशुशाला इससे वेस्ट होनी चाहिए ताकि सुबह की धूप पर्याप्त हो और कोल्ड वेव से प्रोटेक्शन किया जा सके। दूसरा है वॉल फ्लोर। तो एनिमल हाउस की दीवार छत कम से कम 3 मीटर ऊंची होनी चाहिए, बीच की दीवार 1.5 मीटर ऊंची, छत के लिए एस्बेस्टस की चादर प्रयोग में लाने चाहिए, फर्श पक्का व कंक्रीट का होना चाहिए। यदि मड़ी फ्लोर होगा तो जानवर के फिसलने की संभावना रहेगी। और साइट के लिए नियर टू मार्केट एंड रोड, पशुशाला मार्केट के पास में होनी चाहिए, जिससे कि दूध मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का बेचने में असुविधा नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, पशु आहार अन्य पशुओं का आवागमन सुविधाजनक रूप से संभव हो सके। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पानी पर्याप्त मात्रा में हो, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो, और क्योंकि पानी अच्छा होगा तो स्वच्छ होगा और हम जो उसके इंडोपेरोसाइट है आंतरिक परजीवी है उनसे, जैसे पशुओं में कई इंडोपेरोसाइट होते हैं उनसे सुरक्षा पशुओं का निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब हम डेयरी फार्म का यदि लेआउट क्या करें, हमको नया डेयरी फार्म स्थापित करना है तो उससे पहले हमको निम्न बातें ध्यान रखनी है। हाउ मेनी मिल्क एनिमल्स आर रिक्वायर्ड, हमको कितने दुधारू जानवर रखने हैं, और पर डे मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, और कौन सी ब्रीड हमको सेलेक्ट करनी है। जैसे जो डेयरी फार्म स्थापित किया उसमें हमको गिर, साहिवाल, थारपारकर या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जो डेयरी फार्म की रूपरेखा, मजबूत नींव पर टिकाऊ सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और हर्ड साइज के अनुसार नक्शा बनाना चाहिए। ये फार्मर अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें चेंजेज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल
100 गायें यदि हमको रखनी है तो उस 100 गायों में मिल्च एनिमल 75, दैट इज 2/3 ऑफ दे हर्ड, ड्राई और प्रेग्नेंट काउ 25, दैट इज 1/4, प्रेग्नेंट हीपर्स ये 2 to 3 ईयर, ये उनकी 20, अडल्ट हीपर दैट इज 25, बिलो 1 ईयर हीपर दैट इज 30, और 1.5 ईयर हीपर्स बछड़े बछड़ियाँ दैट इज 40, बुल सांड फॉर ब्रीडिंग 100 का अर्ड है उसको नेचुरल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, हीट प्रोटेक्शन के लिए 2 अच्छी क्वालिटी के सांड होनी चाहिए जिनकी प्रोनेंसी प्रोजनी टेस्ट हो, प्रोनेंसी और उसके पेडिग्री टेस्ट हो, और ब्लॉक बेल जैसे खेती बाड़ी के लिए 8 बेल भी उसके लिए आवश्यक होते हैं। और यदि एनिमल हाउस में यदि 100 एकड़ ज़मीन है तो उसका हम डिवीजन इस तरह का करेंगे कि 8 एकड़ बिल्डिंग और रोड्स के लिए होगी, और फोडर प्रोडक्शन के लिए 80 एकड़, पास्चर चरागाह के लिए 8 एकड़, और अदर एग्रीकल्चर वर्क के लिए 4 एकड़। इसका नोट टू जैसे जो हमने चित्र में दिखाया गया कि किधर वेस्ट होगा, किधर ईस्ट होगा, किधर साउथ होगा, इस तरह से तो हमारा केटल जो हाउसिंग है वो इस तरह से हो कि सुबह की धूप वहाँ आए सीधे, और जो कोल्ड वेव है उनसे उनकी सुरक्षा की जा सके। केटल सेड मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है, दैट इज़ आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट के बारे में, लूज हाउसिंग। ये ओपन हाउसिंग है, इसमें सिर्फ धूते समय और बीमारी के समय पशु को बांधा जाता है, बाकी उसको खुला बाड़े में छोड़ दिया जाता है। और जैसे गाँव में क्या होता है, बहुत बड़े बाड़े को एक तारबंदी से हम घेरा कर देते हैं और इसका एक हिस्सा ढका रखते हैं। बाड़े में पानी की एक बड़ी टंकी फॉर वाटर सप्लाई और एक मेंजर चारा के लिए होती है। इसमें पर काउ 2 से 2.5 फीट फीडिंग स्पेस होना चाहिए, और मेंजर के पास रूफ एरिया में 5 फीट चौड़ाई ईंट से एक पक्का स्ट्रक्चर बना होता है। इसमें 40 से 40x35 फीट ओपन स्पेस पशुओं के घूमने के लिए होता है, और जो मेंजर होती है वो नॉर्थ दिशा में होती है। इस हल्लूज हाउसिंग के लाभ क्या है, दैट इज चीप, ये सस्ता होता है, और इकोनॉम जैसे मैनेजमेंट इसका इजी होता है, और ये इकोनॉम जैसे इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं पशु, आसानी से एक दूसरे से घूम सकते हैं, जिससे पशुओं का जो व्यायाम है वो कर सकते। इसकी डीमेरिट ये एक तो छूत की बीमारी फैलने की संभावना रहती है, और इसमें इंडिविजुअल केयर नहीं होती। तो इस तरह पशुओं का जो गांव में जो अपनाई जाती है लूज हाउसिंग, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया। ये हाउसिंग इसका परफेक्ट पार्ट है, इसका इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।